दोस्तों, क्या केएल राहुल सच में आरसीबी में दिखेंगे? क्या ऋषभ पंत छोड़ने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स को? इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। टॉप 5 न्यूज बताऊंगा दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले नंबर 5 न्यूज की हम बात करते हैं, जो है दोस्तों 2025 के ऑक्शन रूल्स को लेकर। तो देखिए दोस्तों, आईपीएल 2025 ऑक्शन के रूल्स अभी तक नहीं आए हैं, जो कि सवाल है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक न्यूज का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि एंड ऑफ जुलाई जो है जल्दी जो है हमें देखने को मिलेंगे रूल्स फिक्स होते हुए आईपीएल 2025 के ऑक्शन के। तो दोस्तों, न्यूज ऐसी निकल के आ रही है 30 जुलाई 31 जुलाई, ये दो डेट्स बताई जा रही है जिस दिन दोस्तों मीटिंग हो सकती है आईपीएल 2025 के ऑक्शन के रूल्स के लिए। इसमें तय किया जाएगा आईपीएल 2025 ऑक्शन के रूल्स क्या हो सकते हैं। अब इसमें रूल्स कैसे, मतलब मेरा हिसाब से ऐसा होगा, रिटेन कितने खिलाड़ी एक टीम करेगी, साथ ही साथ आरटीएम कैसे यूज हो सकता है, या दोस्तों 5 खिलाड़ी रिटेन हो गए या आरटीएम यूज होगा, ये सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद के न्यूज की बात करते हैं, जो है दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण और साथ ही साथ दोस्तों एलएसजी को लेकर। तो देखिए दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के कुछ स्टाफ को जो है मेरे हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं वीवीएस लक्ष्मण। और दोस्तों, ये ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे सवाल रहेगा मेरे हिसाब से। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ऐसे कोचिंग स्टाफ को ढूंढ रही है जो दोस्तों उनको मदद कर सके जिताने में। दोस्तों, ये कुछ न्यूज थी एलएसजी को लेकर। दोस्तों, इसके बाद की जो न्यूज है वो है दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। तो दोस्तों, न्यूज ऐसी है, बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज आ रही थी कि वो सीएसके में दिखेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे खिलाड़ी है किसी भी टीम से रिलीज नहीं होंगे। और दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने फैसला कर दिया है कि ये हमारी टीम के साथ रहेंगे, आईपीएल 2025 में हमारे कैप्टन रहने वाले हैं। और दोस्तों, मेरे हिसाब से बेस्ट फैसला है, क्योंकि ऐसा खिलाड़ी अगर किसी और टीम को अगर आप दे देंगे तो ये सही नहीं रहेगा, इनको जो है कैप्टन रखेगी दिल्ली कैपिटल्स। तो दोस्तों, इसके बाद की जो न्यूज है वो दिल्ली कैपिटल्स को लेके ही है। और दोस्तों, ये है उनके रिटेंशन को लेके। दोस्तों, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है इन 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों नाम है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और साथ ही साथ जैक फ्रेजर मैकग्रा या दोस्तों ट्रिस्टन स्टब। अब इनमें से दोस्तों 5 में से 4 खिलाड़ी कौन से भी रिटेन होंगे, और दोस्तों जैक फ्रेजर मैकग्रा और ट्रिस्टन स्टब दोनों में से एक होगा, क्योंकि 3 जो फिक्स खिलाड़ी है वो फिक्स ही रहेंगे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत। ये जो 3 खिलाड़ी है वो रिटेन होंगे ही होंगे। और दोस्तों, मेरे हिसाब से सही फैसला रहेगा, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी रिलीज नहीं होगा। कौन कहां से न्यूज निकाल के लाता है मुझे समझ में नहीं आता, ऋषभ पंत इस टीम में जाएंगे, ऐसी न्यूज पे भरोसा मत रखो, थोड़ा सा सबर कीजिए। दोस्तों, बेस्ट न्यूज सोर्सेस को फॉलो कीजिए, ऐसे जो फेक न्यूज देते हैं चैनल वाले उनको फॉलो मत कीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये फेक न्यूज देते हैं, आपको तो इतना समझ में आता ही है। नेक्स्ट न्यूज, फाइनल न्यूज की बात करते हैं, जो है केएल राहुल को लेके। ये भी दोस्तों ऐसी न्यूज है ना, और दोस्तों कोई भी कुछ भी कहानी बना दे रहा है। देखिए दोस्तों, केएल राहुल आरसीबी में जाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट जो है कैप्टनसी से हटा सकती है केएल राहुल को, लेकिन इनको रिलीज करेगी मुझे नहीं लगता। और दोस्तों, आरसीबी में जाएंगे, ये जो सब फेक न्यूज वाले है ना, इसे दूर रहिए दोस्तों। जब तक आपको बेस्ट न्यूज ना मिले तब तक भरोसा मत रखिए किसी पे भी। मैं न्यूज जो है लेट देता हूँ, लेकिन दोस्तों फिक्स देता हूँ, ये सही होती है। और आरसीबी में जो है हमें देखने को नहीं मिलेंगे केएल राहुल। हाँ दोस्तों, अगर इनको रिलीज किया जाता है, लखनऊ सुपर जायंट्स अगर इनको रिलीज करती है, तो हम कह सकते हैं इनको टारगेट किया जाएगा, लेकिन क्या भरोसा आरसीबी ही इनको लेगी? हाँ दोस्तों, जरूरत तो है, लेकिन मेरे हिसाब से रिलीज होंगे, तब देखेंगे हम इसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।